जिला कांग्रेस महासचिव संदीप संख्यान ने जिला बिलासपुर में निजी बसों के पहिए थमने की बात की है। उन्होंने कहा कि अकेले जिला बिलासपुर में निजी बसों के 305 रूट हैं और सरकार गलत फैसले और समयानुसार फैसला न लेने की वजह से निजी बसों के ऑपरेटरों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। इस मसले को पिछले वर्ष भी उठाया गया था। ये सबको पता है कि कोविड-19 की वजह से हालत विपरीत है, लेकिन निजी बसों का टैक्स भी माफ नहीं किया जा सका है। उन्होंने कहा कि पहले तो एक निजी बस ऑपरेटर शुरुआती समय में बेरोजगारी के दौर से गुजरता है, उसके बाद निजी बस चलाने हेतु रूट परमिट लेते ही थक जाता है, फिर कुछ मार्जिन मनी लेकर वित्तीय संस्थानों या फिर बैंकों से भारी ब्याज की दरों पर लोन लेता है, तदुपरांत बसों में ग्राहक या सवारियों से पैसा कमाकर परिवार पालता है, साथ में 2-3 लोगों को रोजगार भी मुहैया करवाता है और बैंक का भारी भरकम लोन भी चुकता करने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि बैंकों का पैसा तो पब्लिक मनी है और ऊपर से डीजल की कीमतें, इंश्योरेंस और स्पेयर पार्ट्स का महंगा होना बड़ा सवाल है। ऐसे में निजी बसों के पहिए थम रहे हैं और सरकार कोविड-19 की वजह से इन निजी बसों से वसूले जाने वाले करों में छूट नहीं दे रही है, तो इनका अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना लाजमी है और नुकसान तो आम जन का ही होगा। कोविड-19 के हालत के चलते पहले कोई सवारी घर से निकलने वाली ही नहीं, और ऐसे में यदि निजी बस ऑपरेटरों को टैक्स में भी छूट नहीं दी जाए तो इनका लाखों करोड़ों का व्यवसाय और लोगों को दी जाने वाली सुविधाओं से नुकसान हो सकता है, जबकि प्रदेश की सरकार बार बार आश्वासन देने के बावजूद भी इस पर कोई फैसला नहीं ले रही है। हालांकि 25 मार्च 2021 को प्रधान सचिव परिवहन की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें फैसला लिया गया था कि अप्रैल माह की कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी, लेकिन अभी तक इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं की गई और ना ही इस पर कोई फैसला हुआ है, इसलिए निजी बस ऑपरेटर अपनी बसें खड़ी करने को मजबूर हो चुके हैं। निजी बस ऑपरेटरों की संस्था का यही कहना है कि समय पर प्रदेश सरकार का फैसला न लेना इस व्यवसाय के लिए बहुत घातक है। प्रदेश सरकार ने जो है इन लोगों को आश्वासन दिया कि आपका जो टैक्स है जो आपसे कर लिए जाते हैं उनको माफ किया जाएगा। मेरे को याद है कि 25 मार्च 2021 को भी जो प्रधान सचिव परिवहन है उनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग भी हुई थी, एक बैठक भी प्रदेश सरकार ने की थी, लेकिन अभी तक उस बैठक का कोई भी निर्णय नहीं निकला। उसके बाद कहा गया कि इस मसले को प्रदेश सरकार जो है कैबिनेट की मीटिंग में लेके जाएगी, लेकिन इनके बारे में आज भी कोई फैसला नहीं लिया गया। मैं आपको बता रहा हूं कोविड-19 के चलते अभी प्रदेश के अंदर सारे के सारे व्यवसाय जो हैं वो बिल्कुल त्रस्त पड़े हैं, तो जो निजी हमारे जो निजी बस के ऑपरेटर हैं उनका जो काम है वो भी इसी तरह का काम है कि अगर उसमें ग्राहक आएगा, सवारियां आएंगी, ऊपर से डीजल की मार, ऊपर से स्पेयर पार्ट की मार, उसके बावजूद इनके बहुत जो इंश्योरेंस का पैसा है वो कंपनियां बहुत ज्यादा ले रही हैं, और ऐसे में आज की डेट में निजी बसों के अंदर 15 से 18% की जो है परसेंट की जो सवारी है वो आज की डेट में इनके अंदर ट्रेवल कर रही है। उसके ऊपर जो हमारे कोविड-19 के चलते 50% कैपेसिटी बसों में होनी चाहिए जो उसका दिशा निर्देश दिया गया है, उसको चलते ही ये बड़ा घाटे का व्यवसाय आज की डेट में चल रहा है। ठीक है, ये एक मैं कहता हूं वैश्विक त्रासदी है इसके चलते, लेकिन मेरी भी खुद सरकार से ये मांग रहेगी कि अगर इस तरह का कोई फैसला इनके करों को माफ करने का है तो उसको जल्द से अमल में लाया जाए ताकि ये लोग थोड़ी सी राहत की सांस ले लें। क्योंकि मैं भी ये देखता हूं कि जो निजी बस का ऑपरेटर होता है पहले तो बेरोजगार होता है, फिर बड़ी मुश्किल से अपना प्रोजेक्ट बनाता है कि चलो मैं निजी बस डाल लेता हूं। जब निजी बस डालता है तो उसको रूट परमिट के लिए बड़ी दुविधाओं का सामना करता है, जब रूट परमिट बन जाता है तो थोड़ी मार्जिन मनी लेके बैंकों से पैसा लेके भारी जो दरें हैं ब्याज की उसके ऊपर अपना ऋण उठाता है, फिर अपनी बस को चलाता है, उसके बाद अपने ग्राहक सवारियों का इंतजार करता है, तो ऐसे हालात में फिर उसके बाद 2-3 लोगों को रोजगार देता है, अपना परिवार भी पालता है, उसके बाद ये निजी बस ऑपरेटर जो है ये रखता है कि मैंने बैंकों का पैसा भी वापिस करना है, अपनी गाड़ी के रिपेयर स्पेयर का भी काम करना है। तो ऐसे में अगर प्रदेश सरकार
जो ये वैश्विक आपदा है और हिमाचल प्रदेश के अंदर भी उसका आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है कोविड-19 का, तो अगर उसको देखते इनका कर माफ कर दे तो इसमें मैं नहीं समझता कि कोई बड़ी आफत आने वाली है। प्रदेश सरकार को चाहिए कि इस चीज को माफ किया जाए।